हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग सबको हैप्पी नवरात्रि। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है और हम बिल्कुल नहा वहा के तैयार हो गए हैं और अब जा रही हूँ। मैंने अपने घर के सारे पोछा जितना लगाना था, पोछा झाड़ू पोछा सब हो गया है और अब मैं सारा मंदिर पूरा खाली कर दी हूँ। अब मैं अब मंदिर साफ करूँगी। ये देखिए, मंदिर साफ करूँगी, सारे भगवान जी को पोछूँगी, उसके बाद मंदिर सजा उजा के उसके बाद फिर नवरात्रि की पूजा स्टार्ट करूँगी, कलश स्थापना। तो अब जा रही हूँ मैं मंदिर से जाने। जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है, नजरों को जब से आई लो रात हो जोड़ा दोनों हाथ हो, आई लो रात हो जोड़ा दोनों हाथ हो, देवी दुर्गा के आसन सजल बस सजल बस सजल बा, देख ला देख ला देख ला बघवा गावे गावे माई के लेके चलल बा, देख ला बघवा गावे गावे माई के लेके चलल बा। DJ बढ़िया।
और यहाँ पे मेरे ऋषभ बाबू को डॉक्टर बनाओ, मेरे बाबू को डॉक्टर बनाना माता रानी, बुद्धि देना माता रानी, बहुत अच्छा इंसान बनाना मेरे बाबू को। चलो बोलो बोलो अम्बे मात की जय, बोलो शेरा वाली माता की जय। तो मेरी पूजा हो गई और ऋषभ के पापा को ड्यूटी जाना था वो ड्यूटी चले गए, ऋषभ रिया को ट्यूशन जाना था वो ट्यूशन चले गए। तो ऋषभ के पापा के लिए मैंने चाय बनाया था, चाय पी लिया उन्होंने, मिठाई खाया और केला खाकर चले गए। अब वो दोपहर अब कुछ नहीं खाएंगे, अब वो रात में जब आएंगे तो फिर वही दूध और केला खाएंगे, अगर कुछ खाना होगा तो खाएंगे। आज उनका भी बर्थ है और आज मेरा भी बर्थ है। और ये देखिए यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, ये मेरे अखंड जो जलाया है उसको मैंने ढक दिया है कि अगर पंखा उंखा चालू हो तो वो मतलब ये ना हो, तो इसलिए मैंने ढक के रख दिया है अखंड जोत को। और इधर मेरे मंदिर में देखिए, मैंने मंदिर को भी अच्छे से सजा दिया था। और बुक पढ़ने की मुझे टाइम नहीं मिला दुर्गा सप्तमी में, उधर रखी हुई मैं दुर्गा सप्तमी में, तो मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला सुबह, क्योंकि इन लोगों को जाना था और आरती वारती करने में इतना टाइम हो गया, 9:30 बज गए। तो इसलिए मैंने अब दोपहर को आराम से सारे काम वाम करके अभी गोलू रिया के लिए खाना भी बनाना है, क्योंकि मेरा बर्थ है, इसके पापा का बर्थ है, पर उन लोगों के लिए बच्चों के लिए तो खाना बनाना है, तो उन लोगों के लिए खाना बना बना के उसके बाद दोपहर में आराम से मैं दुर्गा सप्तमी का पाठ करूँगी। सुबह मैंने नहीं किया और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। तो हमारी पूजा हो गई, तो मैं भी चढ़ती उतरती करती हूँ, ऋषभ के पापा भी चढ़ती उतरती ही करते हैं। तो अब वो तो चले गए अपने खाओ कर, अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाऊँगी, चाय बनाया हुआ है, सिर्फ गर्म करूँगी और फिर चाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने उनके लिए बनाया था चाय। तो मेरी सारी पूजा हो गई, यहाँ पर देखिए मैं जुआ लग गई, मैंने सब कुछ कर लिया है। तो मैं ऐसे ही अपने घर में सीधा सिंपल नवरात्रि की पूजा करती हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। ये देखिए यहाँ पे गोलू अभी उठा है, जब पूजा खत्म हो गई सब कुछ हो गया आरती के समय तब गोलू उठा, और जब अपने पापा के साथ गया था ऋषभ और रिया को ट्यूशन छोड़ने, वहाँ से कुरकुरा भी लेकर आ गया। तो ये देखिए प्याज लहसुन बिल्कुल मना है, लेकिन अब क्या करें, बच्चे इतना बदमाश है ये बात नहीं सुनता है, और कुरकुरे में भी प्याज रहता है, लेकिन सिर्फ अब चलो ये बच्चा है, बच्चे को माफ़ रहती है, लेकिन हम लोग प्याज लहसुन 9 दिन बिल्कुल नहीं खाते हैं। 9 दिन होता है ना, 9 दिन हम लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, और मैं सरसों तेल में खाना भी नहीं बनाती हूँ। 9 दिन मैं रिफाइंड तेल ही यूज़ करती हूँ, नहीं तो घी, तो मैं रिफाइंड तेल ही यूज़ करती हूँ 9 दिन के लिए। तो 9 दिन मैं रिफाइंड तेल में खाना बनाती हूँ और बिना लहसुन प्याज के ही बनाती हूँ खाना। तो जिस दिन नौवीं मैंने कन्या खिला देती हूँ, फिर 10वीं के दिन से फिर हम लोग प्याज लहसुन बनाने लगते हैं, सरसों तेल में बनाने लगते हैं, नहीं तो उतने दिन हम लोग रिफाइंड तेल में ही बनाते हैं। आज तो हमें खाना ही नहीं है, आज बच्चों के लिए मैं सरसों तेल में भी बना सकती हूँ लेकिन नहीं बनाऊँगी, मैंने हटा दिया है सब कुछ अब, तो मैं उनके लिए भी आज रिफाइंड तेल में ही बना दूँगी खाना, और कल से फिर हम लोग सब अपने रिफाइंड तेल ही में ही बनाएंगे खाएंगे, और लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो मैंने चाय गर्म करने के लिए रख दिया है, अब चाय गर्म हो जाएगी, बस मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद उसके बाद अपने गोलू के साथ थोड़ा सा बैठूँगी, खेलेंगे गोलू के साथ, उसके बाद रिया ऋषभ को ट्यूशन से लेने जाएंगे। तो चलो मैं अपनी चाय लेकर आती हूँ। तो मैंने चाय पी लिया और अब मैं जा रही हूँ, खाना मैंने दाल चावल बैठा दिया है ऋषभ रिया गोलू के लिए, दाल चावल बनाऊँगी। तो ठीक है, अब मैं वो लोग अब थोड़ी देर में आएँगे, 11:30 बजे छुट्टी होगी, अभी 11 बज रहे हैं, मैं 11:30 बजे जाकर लेकर आऊँगी। तो मैंने आपको क्या गोलू, ठीक, तो ठीक है मैंने आपको दिखाया कि मैं कैसे पूजा करती हूँ कलश स्थापना। पहले जब मैं अपने मायके में थी मैं कलश स्थापना नहीं करती थी, लेकिन फिर मैं जब यहाँ पे आई तो हमारे आसपास के जो हैं तो वो बताने लगे कि कलश स्थापना हर पूजा में बहुत ज़रूरी होता है, कलश स्थापना के बिना पूजा नहीं मानी जाती है,
तो इसलिए मैंने अब कलश स्थापना करके मैं पूजा करने लगी। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ दिल्ली में, तब से मैं हर पूजा कलश स्थापना करके ही करती हूँ, वो चाहे करवा चौथ हो, नवमी की पूजा हो नवरात्रि की, और या फिर दिवाली में लक्ष्मी पूजा हो। तो ठीक है, मैंने सब आपको दिखा दिया। और जो ये नारियल कलश के ऊपर जो नारियल चढ़ाते हैं, मैं लाइट जला के दिखाती हूँ, वो नारियल को हम फोड़ते भी नहीं हैं ना ही खाते हैं, उस नारियल को मैं रख देते हैं अगले साल। जब अगले साल, जब जैसे एक बार अभी अक्टूबर में सितंबर में नवरात्रि आती है, उसके बाद एक बार आती है ना अप्रैल में बैसाख में, उस समय उस नारियल को हम लोग नदी में डाल देते हैं। जैसे मेरे ये अप्रैल वाले नारियल है, ये अप्रैल वाले जो मैं कलश में रखी थी वो नारियल है, ये मैं अब इनको विसर्जन कर दूँगी नहर में। आज ऋषभ के पापा ले जाना भूल गए तो मैं कल उनको दे दूँगी। तो ऐसे ही 6 महीने के लिए ये नारियल रखा रहता है, इनको मैं मतलब साथ साथ में कलश, जैसे कलश विसर्जन के समय इनको विसर्जन नहीं करती हूँ, ये नारियल को मैं रख देती हूँ। जब नवरात्र वाले नारियल मैं अभी विसर्जन करती हूँ, और अभी वाले विसर्जन में जब उस समय बैसाख में जो आती है अप्रैल में, उस समय विसर्जन करती हूँ, तो ये नारियल रखा रहता है। तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यहीं पेंट कर रही हूँ। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए और मुझ पे भी। तो ठीक है, बाय बाय। गोलू गोलू बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय करो, किकी, किकी, किकी। तो ठीक है, बाय बाय।